नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में। और दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी का जब नाम आता है तो मुझे एक बात ध्यान आती है, वो बात क्या होती है, विचार व्यक्ति व्यक्तित्व की जननी है। हाँ दोस्तों, विचार व्यक्तित्व की जननी है, जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो ये विचार जो थे ये किसके थे, स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद जी के थे। और मुझे, मैं इन विचारों से बहुत ही प्रभावित था। तो आइए देखते हैं, आज बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद जी ने करी। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1897 में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसकी जो स्थापना है 1897 में होती है। और इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, वेल्लूर में। कहाँ पर होती है, वेल्लूर में 1897 में। और वेल्लूर कहाँ पड़ता है, वेल्लूर पड़ता है कलकत्ता के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वेल्लूर कलकत्ता के अंदर पड़ता है, जहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। और जो रामकृष्ण मिशन है वो स्वामी विवेकानंद जी के क्या होते हैं, गुरु होते हैं। उनके नाम पर ही इस संगठन का नाम रखा गया। और जो इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ दोस्तों, जो इनके गुरु थे, पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस हैं। और इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही इस संगठन का नाम रखा। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं, इन्हें दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है। जो दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, रामकृष्ण मिशन के कई पेपरों के अंदर, जी हाँ दोस्तों, कई पेपरों के अंदर मठ पूछे गए हैं कि भाई जो रामकृष्ण मिशन है इसके मठ कहाँ कहाँ हैं। एक तो है बारानगर, कहाँ पर है बारानगर, जो पड़ता है कलकत्ता के अंदर। और दूसरा कौन सा है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। ये प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना। UPPCS के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ध्यान करना है, क्या रामकृष्ण मिशन के जो मठ थे, पहला मठ कहाँ है, बारानगर के अंदर कलकत्ता के अंदर, दूसरा अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ध्यान करनी है इन बातों पर। उसके बाद देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम है वो क्या होता है, नरेंद्र नाथ दत्त। इन स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ दत्त था इनका नाम। और इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, स्वामी विवेकानंद। तो कई बार पूछा जाता है कि जो नरेंद्र नाथ दत्त थे, उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद किसके कहने पर रखा, तो वो रखा था खेतड़ी के महाराज। जी हाँ दोस्तों, खेतड़ी के महाराज के सुझाव से ही नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम क्या रखा, स्वामी विवेकानंद रखा। तो ध्यान करनी है बात। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में। ध्यान करना, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 में। तो ध्यान करना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, स्टैटिक जीके के रूप में भी देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने कहा कि भाई इनका जो जन्म है, किसका, स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 में। कहाँ पर होता है, कलकत्ता के अंदर होता है। तो दोस्तों एक चीज नोट करनी है यहाँ पर, जो 12 जनवरी है, इस 12 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्र युवा दिवस। तो ध्यान करना, कई बार ये भी पूछा जाएगा कि भाई राष्ट्र युवा दिवस किसके जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है। तो ध्यान करना है, किसके जन्म, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है। और कौन सा दिवस है, राष्ट्र युवा दिवस। इनकी जो मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 को होती है, कहाँ पर, वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ हावड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। कब होती है, 4 जुलाई 1902 के अंदर। उसके बाद देखिए, मूल नाम हो गया नरेंद्र नाथ दत्त, किसके कहने, किसके सुझाव पर, खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर। उसके बाद देखिए, गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस क्या कहा गया है, दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा गया है। इसका इनकी जो पुस्तकें कौन सी है, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलोसफी। ध्यान करना, कर्मयोग, राजयोग और वेदांत फिलोसफी किसकी पुस्तकें हैं, तो ये पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद जी की। उसके बाद देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या था, रामकृष्ण मिशन का इनका मुख्य कार्य था कि सेवा, क्या करना, सेवा। और जो सेवा था ये किसके आधार पर था, किस सिद्धांत पर था, ये था वेदांत दर्शन पर। किस पर था, वेदांत दर्शन पर। तो आइए कुछ और बिंदु देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भाई स्वामी विवेकानंद जी ने जो आपका विश्व धर्म सम्मेलन हुआ
उसमें पार्टिसिपेट करा 1893 के अंदर और उसमें भाग लिया था। उसके बाद दूसरा 1900 में हुआ था। उसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट, यदि मैं जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसकी बात करूं तो इसने स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर तीन मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करी थी कि भाई भारत एक ऐसा देश है। पहला जो पॉइंट माना बताया जाता है कि भाई भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सभी धर्म क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात इसने क्या बताई कि भाई बिगर बौद्ध धर्म के, जी हाँ दोस्तों, बिगर बौद्ध धर्म के, या आपका जैन धर्म हो, आपका मुस्लिम धर्म हो, आपका हिंदू धर्म हो, सभी धर्म क्या हैं, बेकार हैं। यदि क्या नहीं है, यदि आपका बौद्ध धर्म नहीं है, इसके बगैर, इस धर्म के बगैर सभी धर्म क्या है, अधूरे हैं। और तीसरा जो मुख्य बिंदु इन्होंने इस सम्मेलन के अंदर बताया वो क्या बताया कि भाई एक धर्म दूसरे धर्म का क्या होगा, विनाश करेगा। तो ध्यान करना, एक धर्म दूसरे धर्म का क्या करेगा, विनाश करेगा। ये तीन बिंदु इन्होंने अपने जो परिषद था, जो विश्व धर्म सम्मेलन था, उसके अंदर ये बिंदु रखे थे। उसके बाद वेदांत सोसाइटी, जो वेदांत सोसाइटी है इसकी स्थापना भी किसने करी है, स्वामी विवेकानंद जी ने करी है। और 1894 के अंदर कहाँ पर होती है, न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर होती है, न्यूयॉर्क के अंदर होती है। और नव हिंदू जागरण, जी हाँ दोस्तों, नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे माना जाता है, तो नव हिंदू जागरण का संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन नोट करना है, क्या है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों का, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। तो इस तरीके से हमने देखा। तो एक बार मैं कुछ चीज़ें रिकॉल करता हूँ जो स्टैटिक जीके के अंदर आती हैं कि भाई रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी। उसके बाद भाई राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1894 में हुई। नव हिंदू जागरण के संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद जी हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट है, राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलोसफी। और इसके मठ वारानगर और अल्मोड़ा के अंदर हैं। स्थापना 1897 में हुई। कहां पर हुई, कलकत्ता के अंदर हुई। तो दोस्तों ये चीज़ देखी हमने किसके बारे में, किसके बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।